इस पांच दिवसीय वेद कथा में यह प्रथम बार समागत आगरा से। आगरा बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वहाँ किला है, ताजमहल है और बहुत बड़ा नगर है। पूरे देश में जिनके बहुत कार्यक्रम होते हैं और दैनिक याचिक अग्रहोत्री है आचार्य हरिशंकर अग्रहोत्री जी, उनका बहुत अच्छा प्रवचन होगा और आपको बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। इस समाज के बहुत ही सुयोग और बड़े समर्पित ऋषि भक्त और दयानंदी हमारे पिता के दो शब्द हैं, हमारे जगदीश प्रसाद जी, गुरेला जी, प्रधान जी, पूज माता जी, इनके लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाएं। आज समाज के लिए इन्हें बड़ी तरफ से बड़ी मेहनत है। पिछले बहुत बड़ा महासम्मेलन था कलकत्ता के अंदर, मैं उस कार्यक्रम में गया, 7 दिन का वो 8 दिन का प्रोग्राम था, तो मुझे प्रधान जी के उस व्यवसाय पर शोरूम पर जाने का भी अवसर मिला। इन्होंने बुलाया, बड़ा आतिथ्य किया और खूब मोटी मोटी दक्षिणा भी दी मुझे आचार्य सोमदेव जी को, और बहुत बड़ा इनका वहाँ काम बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़े सेठ हैं लेकिन ऋषि ध्यानंद के लिए बड़े समर्पित व्यक्ति हैं, इनके बहुत वहाँ पर अलग अलग शोरूम थे, कुछ देखे कुछ बाकी सब देखने में हमें बड़ा वक्त लगता, लेकिन वहाँ भी इनका प्रेम और स्नेह लगता रहा और नित्य कार्यक्रम में वहाँ ये आते रहे। हमारे अंदर आज समाज ध्यानंद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वह इनके अंदर रगों में दौड़ती है और मुझे ऐसे आज समाज के प्रधान पद पर जो होते हैं उन पर मैं अपने आप को बड़ा नाज रखता हूँ। इस आज समाज के बहुत मनीषी विचारक, बहुत आदर और सम्मान की ओर हमारे शब्द है, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे शब्द है महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारी जन, मैं चाहता हूँ इन सब के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से क्योंकि जो लोग काम करते हैं उत्साहित करना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया, लोग अपने अभाव में दुखी नहीं है जितना दूसरे के प्रभाव से दुखी है, ये बड़ी उल्टी सोच हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनसे और बढ़िया काम लेना है उनका थोड़ा और सम्मान किया करो तो वो और आगे काम करेगा, उन्हें उत्साहित करो तो उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे बढ़ के, लेकिन होता उल्टा है, उनके मनोबल को लोग तोड़ते हैं। इस समाज में हमारे बैठे आदरणीय श्री राम स्वरूप जी आचार्य जी, उनके साथ और आचार्य वर्ग, ये हमारी बेटियों को जो शिक्षा दे रहे मेरी पूज्य सभी आचार्य वर्ग, गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, मैं दोनों बेटे बेटियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। आज समाज नागौरी गेट की हमारी शर्त है, सैनी साहब पहुंचे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। देखो ये जो दयानंद से प्यार होता है उनको उम्र कोई रोक पाती, एक शेर बड़ा प्यारा लिखा है, जिस जीवन में रवानी है तो बुढ़ापा भी। आज आप देखो ना 20 वर्ष का नौजवान ऐसे बैठे जैसे इसकी नानी मर गई, बिल्कुल बढ़िया। देखो हमारे दोनों देवता लोग इतनी अवस्था में भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और अंगड़ाई है, ये आत्मा में बल है। इस हाल में और अच्छे हाल में लोग पूछते आपका हाल कैसे, जब हाल अच्छा हो तो चाल अपने आप अच्छी होगी, जिसका हाल अच्छा तो चाल भी बढ़िया, जब हाल खराब तो चाल भी धीरे धीरे जैसे बुखार आ रहा है। तो मैं कहता हूं अगर अपना हाल अच्छा रखना है तो आर्य समाधि रूपी हाल में आ, आर्य समाधि रूपी हाल में जो आते हैं तो उनका जब हाल अच्छा होता है, जब यहाँ से निकल कर जाते तो चाल भी अपने आप बढ़िया होती है, क्योंकि जीवन में विचारों की बड़ी बहुत प्रमुखता है। जब विचार अच्छे होते जीवन अच्छा होता है, कोई कितना बढ़िया सुंदर व्यक्ति हो और कहते तुझे बीमारी कब से लगी, पीला हो गया बिल्कुल, रंग काला पड़ गया तेरा, तुझे कब से रोग है, तुमने इलाज नहीं कराया है, बिल्कुल सुंदर हैंडसम, वहां से जाके तत्काल कहां खड़ा होगा शीशे पर और शीशे के आगे देखेगा 6 बार, कहेगा सही कह रहे थे, वो तो बीमार काला हो रहा हूँ पीला पड़ रहा हूँ और है बिल्कुल ठीक,
विषाद ने उसको गिरा दिया, और चाहे बीमार व्यक्ति को क्या सुंदरता तेरे पे आ रही हो, तू तो 50 साल में 60 साल में पागला बन गया है, बीमार है बुझा हुआ, लेकिन सब दिए तो कहेगा हाँ सही कह रहा है, क्यों हिलेगा उठी को हिलाएगा और मस्ती के साथ चलेगा। ये विचारों की खेती है, ये विचार कहाँ से मिलते हैं, ये सत्संग में आने से मिलते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आज समाधि रूपी सत्संग में हाल में जो आएगा उसका हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी होगी। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं धर्म के अभ्यासी भक्त पुरुषों, भक्ति शक्ति श्रद्धा महिमा शक्ति, और आपकी आज समाज के जो बहुत अच्छे समझदार सुयोग विद्वान और जिनमें अनेक प्रतिभाएं हैं, हमारे धर्माचार्य आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, मैं लाइव देखता हूँ रविवार के कार्यक्रम में, तो मुझे कभी कभी बड़ी जलन होती है, क्यों, क्योंकि आर समाज को उस समय इतने लोग इकट्ठे होते जहाँ आपके आर समाज के 27 सत्संग में रविवार को होते, तो मैं इनको फिर फोन करता हूँ कि आप तो बाजी मार रहे हो आर समाजों में, लोगों को उस समय बैठे 10-12 लोग बैठे और बड़ा मन खराब हो जाता है उनको देख कर, और आपके रविवार के कार्यक्रम में इतनी संख्या होती है, तो मैं आचार्य के भजन प्रवचन भी देखता हूँ, इनमें बड़ी विशेषताएं हैं, और आपका आज समाज इतना साफ सुथरा है, मैं जहाँ भी अभी राजस्थान में था मैंने वहाँ पर भी कहा, भारत में अभी मुंबई था मैंने वहाँ पर भी कहा कि आज समाज मॉडल टाउन हिसाब का देख लो जाकर ऐसा लगता है जैसे किसी गुरुद्वारे में प्रवेश कर रहे, वह सफाई साफ सुथरा मिलेगा सभी मिलेगा या कहीं पर भी कूड़ा नहीं है, और मैंने एक चीज देखी श्रद्धा देखो, मैंने यज्ञ की श्रद्धाएं देखी बहुत बढ़िया, वो झाल बनाया उसमें समझाएं रखी है जिससे हवा भी पास होती रहे गले ना सड़े ना हो, और हर साइज की समझाएं, मैं नित्य यज्ञ करता हूँ तो लेके आए निकाल कर वहां से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी यज्ञ के ऊपर बड़ी श्रद्धा है, सामग्री कल तैयार हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा, आचार्य तरह तरह की उनमें औषधियां डाल रहे थे, इसमें आप बधाई के पात्र हैं, और ये मेरे कोई चापलूसी नहीं, आपके अंदर जो विशेषता है जो आपके आर समाज में क्वालिटी है उसका वर्णन करने में मेरा सीना मेरी छाती चौड़ी होती है, और कहते हुए मुझे नाज महसूस होता, और कहता इसलिए हूँ कि उन लोगों में भी आप किस तरह समाज को रख रखाव करने की सोच पैदा हो जाए, क्योंकि ये सब हमारे स्वामी दयानंद के घर है, मेरे ऋषि के भवन है, और हमें इससे प्यार लगा होना चाहिए, गुरुद्वारे में बड़े बड़े लोग जाके सेवा करते सफाई करते, वो गुण हमने आए हमारे कौरव भाई में बड़ी श्रद्धा है, वो भाव हमारे अंदर आने चाहिए, और विशुद्ध ज्ञान आज समाज के पास है, अगर इन सब का समावेश हो गया जीवन का कल्याण हो गया। आइए बड़ा प्यारा भजन है, हम सब लोग सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं है, कैसे है सौभाग्यशाली, और जगह तो उस रब की बात होती है, अरे सत्संग में तो उसे मुलाकात होती है, और लोग उसकी रहमतों को तरसते हैं, अरे सत्संग में तो उसके रहमतों की बरसात होती है। तो और एक बात और सुनो, दुनिया में वो बड़ा खुश नसीब होता है जो जितना प्रभु के करीब होता है, तो आप सब हम सब भगवान के करीब हैं, तो फिर चेहरे पे एक बार मुस्कुराहट ला, थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पर रहनी चाहिए, भगवान की जिसमें कृपा होती है वो मुस्कुराता ही है, बाकी में लोगों में इतनी टेंशन है पूरे दिन मोहरम बने रहे दुखी में, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम प्रभु चर्चा में हैं, प्रभु के नज़दीक हैं, परमात्मा सुख स्वरूप है और दुख विनाशक है, आनंद का भंडार है, वह दुख है ही नहीं, वह सुख ही सुख है, इसलिए मेरे साथ तू है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मुझको मिल रही रोशनी है, एक बड़ा प्यारा भजन है, आइए सब मिलकर गाएं, बड़ा सुंदर है, लेकिन हुआ क्या, अरे रोटी खाई सो गए मालिक से जाकी बात, हमसे तो कुत्ता भला जावे सारी, कि प्रभु भक्ति जिंदगी thank you.
अच्छा कोई रसगुल्ला खिलाए, एक खिलाया ना, ऐसा पूछा, ऐसा कहता है
प्रधान जी बिल्कुल अमृत की तरह है और मन में ये सोच रहा एक बार प्रधान जी एक और दे दे आनंद आते उधार थे बोले और चाहिए बोले नहीं नहीं ऊपर से कह रहा अंदर से रख दे बोले जब दूसरा रख दिया पूछा कैसा अरे बिल्कुल शहद की तरह पहला रसगुल्ला अमृत की तरह दूसरा शहद की तरह पर प्रधान जी भी बड़े उधार ही थे इन्होंने बिना पूछे एक और प्लेट में रख दिया कहा कैसे लग रहे अरे बोले बस मिठास आ रही आनंद में है बहुत बढ़िया लगे इसने जब देखा प्रधान जी ने कहा चलो इसकी परीक्षा ये एक और रख दिया बोला और भी आपने रख दिया आपने तो चौथा रख दिया बोले जी आप खाओ कैसा बोले बस अब काम चलाऊ में लेकिन कहा ये एक बचा इसे मैं कहां का करते रहूंगा आप ये कौन ले लीजिए तो खाने वाला हाथ जोड़कर कहता है प्रधान जी क्या मालूम है कह रहा है बस अब नहीं पता लगा पहला अमृत दूसरा शहद की तरह तीसरा मीठा था और चौथा काम चला गिर गया आनंद पहला था वो क्षणिक है यही इंडिया गेट तक ही है नीचे उतर के कुछ नहीं लेकिन भगवान की भक्ति में जितने जुड़ते जाओ उतना बढ़ता चला यही भगवान की भक्ति में विशेषता है इसलिए आइए